कैसे हो आप सब? भाई भाई होगा, मैं ही भाई हूँ। और हम आया जा रहे हैं टहल्ला मारने नीचे रोड पे, गेट को ओपन कर रहे हैं। तो ये चलो, नया दिन है और नई नई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग निकले हैं और चल रहे हैं बाहर, और चलिए स्लीपर वगैरह पहनते हैं और देन नीचे चल के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ इसको भी छोटे उस्ताद भी पहनाते हैं सैंडल वैंडल, उसी का सैंडल तो अंदर ही रह गया, सैंडल अंदर ही छूट गया। क्या यार तुम भी, तो चलिए इसको सैंडल वैंडल पहनाते हैं, पहनाने के बाद फिर नीचे मिलते हैं आप लोगों से। तो बाहर अभी हम बाहर निकल चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं अपना डेली का ये सीन बैकग्राउंड, और मौसम भी मतलब मच बेटर कह सकते हैं, और ऐसा ही वेदर अच्छा लगता है अपने को। तो ज़्यादा ना धूप ना ज़्यादा तब छाव, मतलब मिनिमल, हाँ ये चीज़ कह सकते हो। और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ना वही सब सीन है। आगे जाएंगे, घूम घाम के आएंगे और आपके साथ ब्लॉग करेंगे। और इंशाल्लाह हैवी राइडर देखी भाई साहब, एक लड़की हिमालयन चला के जा रही थी, बड़ा गजा मजा आ गई। मज़ा क्या आ गया, लोग चलाती है कोई नहीं, हम नहीं चला पाते हिमालयन लोग सपाट, हम गाड़ी नहीं चला पाते एक्चुअली में। सो और वेदर तो एक नंबर है भाई, यहाँ से सब पहाड़ देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के। चलिए देखते हैं, और अगर दिखा तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ठीक है। ओके ओके हर एक चीज़, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मूव करने के बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं और फिर बताते हैं कुछ 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 कुछ, तो दिन भर चलता ही रहेगा ये सब सीन। सो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, चलते हैं आगे और चलने के बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। बाय बाय। एक नीचे जाने का एक व्यू पॉइंट हमको नज़र आता है, जहाँ से व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है, मतलब एक नंबर मज़ा आ जाता है। यहाँ से जब भी व्यू देखते हैं यार दिल खुश हो जाता है। तो चलो आप लोगों को सोचे दिखाते हैं, जो देख सकते हैं कितना मस्त नज़र आ रहा है। मतलब कैमरा में तो उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट जो आँखों से मैं देख पा रहा हूँ वो कैप्चर करने का मतलब कि एक अलग ही मज़ा है यार, अलग ही मज़ा है। सो देख सकते हैं आप लोग भी, और इधर 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 चलो देख लिया, और जितना हो सकता होता तो आप लोग के लिए मैं करता ही हूँ। देन ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अगर गर्मी भी लग रहा है मतलब गर्मी शक का हो गया, बट टिल जो भी है मस्त मज़ा आ जाता है देख के। आई तो ये सब चीज़ होता है ना कि क्या बताया जाए, देखने के बाद एकदम ओहो मन प्रसन्न हो जाता है, तो कुछ ऐसा वाला चीज़ रहता है। और जितना लोग जाते हैं सब देखते हैं यार, ऐसा देखते हैं क्या बता दें, ठीक है देखने दो क्या ही करता है। क्या यार देखिए कर आया उसको, ये तो अपना मस्त मगर होकर चलते रहता है एकदम। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले मतलब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आई मीन नीचे आ गए थे, सामान लिए थे, और सामान ले चुके हैं और चल रहे हैं अब घर की ओर। थोड़ा गर्मी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और तो देखिए चलो ठीक है दिखाने एक ब्लॉग कर लेते हैं, जब घर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ मतलब एक चीज़ यहाँ का खासियत है भाई कि मतलब इतना नीट एंड क्लीन सिटी है, ऊपर से आप समझ लो कि यहाँ पे कोई बंदा प्लास्टिक यूज़ नहीं करता। अगर प्लास्टिक यूज़ करते हैं पकड़ा जाता है तो रहता है ह्यूज फाइन, हैवी फाइन लगता है। सो इस कारण से यहाँ पे हर एक लोग पैकेट में ही हर एक चीज़ देते हैं, मतलब स्मोक फ्री स्टेट है। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी इसी कारण से इतना क्लीन है, इन्वायरमेंट क्लीन, रोड क्लीन, हर एक चीज़ हम सुंदर है भाई एकदम, हर एक चीज़ मतलब अगर कोई भी चीज़ को ये करते हुए लोग देख लेता है देन यहाँ पे फाइन लगना तय ही तय है। सो हम लोग भी इसी में ढल चुके हैं, अब सामान लेना होता तो लेते हैं, और देन चलिए ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने का फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय। ये और फिर से एक आर्मी का बस जा रहा है, और ये देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है। आज मंडे का टाइम है,
यहाँ पे लोग मंडे के टाइम में ऐसा ही भीड़ लगा रहता है। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे जैसा कि कितना रश है। मैंने कि ये मेन हाईवे है तो इस कारण से इतना रश है, और प्लस पर मंडे का टाइम पक्का आगे में जो यहाँ का टर्निंग होगा वहीं वहीं से भीड़ होगी। एक्चुअली मैं ऊपर में जो था डाइवर्ट हो जाता है मेन रूट, ये ऊपर से नीचे रेजिडिक नीचे से ऊपर जाता है, इस कारण से यहाँ पे इतना ट्रैफिक लग जाता है। सो दैट्स ये सीन है। और अभी नहा धोवा के फ्रेश हो गए हैं तो दिखा तो चलो ठीक है, कुछ तो मिला, ब्लॉग मारते हैं तो इस कारण से। और देन बाकी ठीक है, और चलिए ठीक है, नहा धोवा के थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, कभी खाना वाना खाते हैं, दोपहर के एक दो बज चुके हैं, नाश्ता वास्ता किए नहीं, चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर आप लोगों से फिर अगले बार में फिर मिलते हैं अच्छे से मस्ती। क्या क्या बोलते हैं भाई, हम भी एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं, नया नया स्टार्टिंग, मत मान लीजिए स्टार्टिंग ही है ये, क्या थोड़ा बोलना ही बहुत सीखना पड़ेगा आपको उनको अपने को। तो चलिए कुछ आपको पीछे का व्यू भी दिखाते हैं, कुछ तरह का व्यू है, ये देखिए, ये देख सकते हैं क्या मस्त व्यू इधर हो चुका है। मतलब कैमरा में तो एक्चुअल में उतना अच्छा दिख नहीं पाता, बट जो मैं अपने आँखों से मतलब देख पा रहा हूँ, ऑसम। और ये तो देख ही रहे हैं, और ये साथ में टैक्सी वाला बाबा मुझे देख रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है चले कोई नहीं, और चलिए ठीक है, देन मिलते हैं अब नाश्ता वाशा करे, खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं बजरे में, बाय। एक्चुअली बात ऐसा है कि अभी थोड़ा सा निकले थे बाहर, और बाहर ऊपर चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा। ऊपर से क्या होता है कि नीचे का घाटी देखने में बहुत मज़ा आता है, और हम आए निकले टहल्ला मारने, निकले तो बहुत देर पहले ही थे बट फिर बारिश होने लगा था तो इसीलिए थोड़ा सा रुक गए, हम वेट कर लिए बारिश रुकने का, बिकॉज बारिश में इसको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसी कारण से मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है। तो सोचिए चलो अब बारिश थोड़ा रुका है तो चलते हैं और आप लोगों से कुछ कुछ बातें करते हैं। तो चलिए आप लोगों का आज का वेदर एक मतलब एक नंबर था, अगर अभी आपको ऊपर से नीचे घाटी दिखाए ना तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मस्त व्यू आएगा, बहुत सुंदर व्यू आएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के, और सामने का फ्रंट व्यू भी दिखाएंगे और ऊपर से नीचे भी दिखाएंगे, मतलब एक नंबर है, एक नंबर, मज़ा आ गया देख के, हमको तो मज़ा आ ही रहा है देख के। आप लोगों को भी दिखाते हैं कोई एक अच्छा व्यू पॉइंट लोकेशन देखते हैं और वहाँ पर रुकते हैं, हम्बल होते हैं, और देन फिर वहाँ से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, और आज एक रील्स के लिए वीडियो बनाएंगे, लेट्स गो। चलिए चलते हैं और चलने का आप लोगों से बात करते हैं। ओ माय गो ऑसम भाई, ये देखिए पीछे हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा, क्या मस्त सिटी लग रहा है एकदम, एक नंबर। तो चलिए ऊपर और हल्का आगे चलते हैं और ऊपर चलते हैं और फिर मस्त मस्त व्यू दिखाते हैं और लेते हैं, कैप्चर करते हैं अपने इस वीडियो एंड वीडियोज़ में। तो लेट्स गो, चलिए ऊपर और चलने के बाद फिर मिलते हैं, बात करते हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं ऊपर, लगभग पहुँच ही गए हैं। एक्चुअली ये पीछे में क्या है ना कि जब ऊपर आते हो तो मतलब यहाँ पे हर एक जगह आपको होटल्स वगैरह हर एक चीज़ मिल जाते हैं, सो यहाँ पे मतलब कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, देन लेट्स गो, यही सीन है और कुछ नहीं। और ऊपर नीचे थोड़ा सा क्या सीधे की रास्ता ख़राब है, आज कोई पकड़े हुए हैं तो थोड़ा हर एक चीज़ देखना पड़ता है। तो चलो ठीक है, अब जगह ढूंढ रहे हैं, कोई जगह अच्छा मिल ही नहीं है परफेक्ट व्यू पॉइंट जहाँ से हम खड़ा होकर कुछ दिखा पाएँ आप लोगों को। तो चलिए कुछ थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं, वही मिल जाए, और बाकी तो सीन ठीक है, यहाँ पे भी है बट उतना कुछ खास नहीं है। तो देन चलिए आपको एक सामने से एक फ्रंट व्यू दिखाते हैं, ठीक है, मिलते हैं सामने से एक व्यू के साथ, बाय। आप लोग रेडी हो सरप्राइज के लिए? आप लोग मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, चलिए तीन काउंट करते हैं, 1 2 3। ये देखिए आपके लिए, ये दैट्स अ ब्यूटी, हल्का सा आ गया है ऊपर और ऊपर आके कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा हमको, मतलब मज़ा आ गया यार देख के। तो इसको कहते हैं सुंदरता, और खाई इतना गंदा, मतलब इतना गहरा है कि क्या बोला जाए पूरा एकदम। और ये सामने का ये फ्रंट रोड है, ये मेन बाईपास, और जस्ट के बगल से उधर मतलब उस साइड था जो बादल जो है, मतलब क्या कहते घर को छूते हुए जा रहा है, और एक सिटी बसा पड़ा है। तो जूम करें, ये देखिए इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बस स्टिल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का सुंदरता कुछ इस तरह का ही है, ये पूरा घाटी है। और ये तो हमको SGI कॉलेज लग रहा है एकदम, मेरा कॉलेज SGI ही था सही, बट ठीक है। ये देखिए पूरा एकदम एक नंबर मस्त नज़ारा है। सो चलिए अब कुछ रील्स के लिए वीडियो बनाते हैं और फिर आगे बढ़ के फिर आप लोगों से बात करते हैं, यही बस व्यू दिखाने के लिए ऊपर आए थे, ऊपर की ओर, बाकी तो देख के ही मज़ा आ गया अपने को,
और चलिए फिर देखते हैं, मिलता है बाय बाय कर दो यार। बहुत ही काफी मजा आया यार, एक नंबर। मतलब ऊपर हमको लग रहा था कि ऊपर आएंगे तो कुछ ऐसा मतलब मिल जाएगा अपने को, और वो चीज़ हो गया। मतलब इसके घुमाने के बहाने सोचे चलो हल्का हल्का ज़्यादा तो नहीं, हल्का भी ऊपर आए थे, और कल थोड़ा और ऊपर चलेंगे क्योंकि एक्चुअली मैं आज का हो गया ना सीन, थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा चले कि अब चलो चलते हैं घर। इतना है बहुत काफ़ी, मतलब जो भी शॉर्ट लिए एक नंबर शॉर्ट लिए, मज़ा आ गया। मतलब पूरा घाटी का नज़र आ रहा था भाई साहब, घाटी लगा के ना इतना सुंदर दिख रहा था कि क्या ही बोला जाए, और तो क्या ही बोले, तो प्यार हो गया। सही बात है, पहाड़ों से प्यार हो गया। तो वो देते हैं ना कि अपना पहला प्यार दैट्स पहाड़, जितना बोले उतना ही सब कम है। बाकी तो दिन ठीक है, और अभी वापस चल रहे हैं घर की ओर क्योंकि हो गया अपना तो घूमना, और यहाँ तो जहाँ से स्टार्ट हो जाए, जहाँ से स्टार्ट करो जहाँ वहाँ पे भी आपको मतलब कंटेंट और थीम ही थीम मिलता है, और देन बाकी सब बढ़िया है। और अभी घर की ओर चल रहे हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं बट थोड़ा दूर है, और यहाँ से मतलब चलिए कुछ ऊपर का भी आपको शॉट दिखाते हैं। ऊपर भी एक से मतलब एक नंबर व्यू है, और इसे मेरे बगल से जो एक रास्ता जाता है वो ऊपर आका लाल बाजार मतलब मॉल रोड पहुँचाता है, और अपने को सामने से एक शॉट दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दिखाते हैं सामने से, बाय। ये कुछ सामने का कुछ ऐसा व्यू है, मतलब वेदर भी एक नंबर है, और ये देखिए एक ऊपर रोड चला जाता है, और देखिए सामने आइए ये आपका नीचे का सीनरी है, और ऊपर में जितना भी सब आप देख रहे हैं ये सारा सब पहाड़ पे ही सब बसा पड़ा है। एक्चुअली क्या देखा है तो हम भी पहाड़ पे ही हैं, वो ऊपर है तो ऊपर से लगता होगा नीचे, दैट वाई हमको ऊपर लग रहा है कि वो पहाड़ पे, बट तो हम भी पहाड़ पे ही हैं। यहाँ पे जितने सारे मतलब लोकल घर है सब पहाड़ पे ही बसे पड़े हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ की घर रहते हैं, और यहाँ पे हमेशा हर कोई भी घर में छत आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमेशा आपको शेड मिलेगा, मतलब जितना भी रहता है शेड। और एक्चुअली यहाँ बारिश कभी भी हो जाता है, बारिश होता है बर्फ बर्फ सब हो जाता है, बस इस कारण से शेड यहाँ पे रहता है, बना के लोग रखते हैं ताकि पानी जमे ना, और कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पे मतलब ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा है। यहाँ बर्फ पहाड़ है ऑब्वियसली बात है, तो बारिश का पानी तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, और ऊपर ढलाव भी है, कहीं ना कहीं खाई में ही जाना है सारे पानी को, सो इस कारण से। और बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का फिर मिलते हैं घर के पास से। और आज के लिए बहुत ही मतलब आज का दिन मज़ेदार रहा, जो भी हो हम आज सोचे कि चलो ठीक है आज निकलते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। सो इतने दिन आज हम बहुत दिन बाद ऊपर आए हैं, और जिससे पहले तो हमेशा आते ही रहते थे, इसलिए आज भी आ गए, मज़ा आ गया घूम घाम के, और कल इससे भी आगे जाएंगे। और चलिए आयांश जी को, ये आयांश जी को जेम्स खरीदना है, सो जेम्स खरीदवाते हैं आयांश जी को, और देन फिर घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। घर आ गए थे उस टाइम तक, वो पता ही है घूम घाम के मतलब सब चीज़ सब वेदर उधर सब चीज़ जाके करते एक कुर कुर को, और घर आए तो उसके बैठे बैठे तो चलो कुछ करते हैं। और ये अपना नायका से पार्सल आया है, तो चलो इसी का अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोग क्या है क्या नहीं, और मुझे तो पता ही क्या है, बट चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। अरे आयांश काट देना मैं उंगली, रुको यहाँ पे कैमरा में करते हैं, ठीक है चलिए ठीक है दिखाते हैं आप लोगों को, बाय बाय। ये भी एक क्रीम, और ये भी क्रीम, ये सारे क्रीम्स हैं, ये देखिए। वैसे इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट फिर ठीक है हम लोग यूज़ करते हैं इसी को, तो आप लोग को भी मत रिकमेंडेड है कि आप लोग भी यूज़ कीजिए, स्किन के लिए बेटर होता है ये। सो चलिए ठीक है, और आगे आपसे बात करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। पुलिस को बुला रहा है मम्मा को जेल भेजने के लिए, बताओ बताओ क्यों 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 कर रहे हो, ये देखिए मम्मा क्यों तो क्यों मम्मा को जेल क्यों भेजना चाह रहे हो बताओ हमको, हैं क्या मम्मा कुछ कर दी तुमको, आयांश मम्मा को जेल भेज रहा है। देखिए आप लोग सभी दर्शकों आयांश के फैंस देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हों आयांश अपनी मम्मा को जेल भेज रहा है, तो इसके ऊपर हमको भी कोई जवाबदेही कार्रवाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। ओ मतलब हमको जेल भेजा दो, वाह तू तो सबको जेल भेजवा देगा, तो बचेगा कौन,
तो बचेगा कौन? अब तुमको फिर दूध कौन देगा? हाँ तुम ओ तुम जवान हो गया है, देख लीजिए इसको, जवान हो गया है लड़का, आयान जवान हो गया है, दूध पी ले खुद से। ठीक है तो फिर पापा है क्या होगा? दोनों जाएं और तुम क्या खाएगा फिर? हम चल जाएंगे तो सोचने का स्टाइल देखिए इसका थोड़ा। पापा खाएगा? तुम पापे खाएगा? पापा तक ये सूचना पहुंच जाएगा, पापा सिलीगुड़ी तक सूचना पहुंच जाएगा। इधर खड़ा हो रहा, इधर खड़ा होकर बोलो ना, इधर खड़ा होकर बोलो। ठीक है देख लीजिए आप लोग इसका वीडियो, देखिएगा थोड़ी देर में पब्लिश होने वाला है, आप सब आके देखिए। आयांस जो कि सबको जेल भिजवा रहा है, हम लोग सबको बस पापा को छोड़ा के, तो एक घंटे में इसका वीडियो आने वाला है, आप लोग सब देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आयांस का वीडियो, और मेरे वीडियो को सब प्यार दिखाइए। इसी बात अपने वीडियो को अभी क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो एक बार और देख लीजिए। तो चलिए इसी बात पे अपने वीडियो करते हैं क्लोज, और लाइक और सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा, और इसका वीडियो जरूर से देखिएगा। 9 बजे इसका वीडियो आने वाला है, आप लोग सबको ही आइए देखिए आके। ठीक है मिलते हैं कल किसी मस्ती कुरफाती के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।